हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैं हूं अभी तमिलनाडु के रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट में और मैं आया हुआ हूं रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिसे लोग रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे चारों धामों में से एक भी माना जाता है और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि इसे स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित किया गया था। जिस प्रकार उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और एक शंख आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह समुद्र की तेज लहरों से कट गया, जिसके कारण यह द्वीप चारों तरफ से पानी से घिर गया था। बाद में रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक जर्मन इंजीनियर की मदद ली गई, जिन्होंने एक पम्बम ब्रिज नामक पुल बनाया था। दोस्तों, इस मंदिर तक आने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप यहां पे किसी भी माध्यम से बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम मंदिर दक्षिण भारत का एक प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। रामेश्वरम मंदिर के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो ये मदुरई एयरपोर्ट है, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम शहर चेन्नई, कन्याकुमारी, मदुरई आदि जैसे आसपास के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको इन शहरों से रामेश्वरम के लिए सीधी बस सुविधा भी मिल जाएगी। इस तरह आप अपनी जर्नी रामेश्वरम के लिए आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अकोमोडेशन की बात करें तो रामेश्वरम मंदिर के आसपास आपको होटल्स एवं धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आके आप स्टे कर सकते हैं। मगर पीक टाइम में या फिर सावन के महीने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे यात्री बहुत ही ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो आपको उसके लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा के रखनी पड़ेगी। अगर आप कैंपस में घूम रहे हैं तो ये फ्री सर्विस है, इसके थ्रू आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे सीनियर सिटीज़न हो गए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर बैठ के आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो आपको कैंपस में जहाँ आप बोलेंगे आपको वहाँ छोड़ देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे धर्मशालाएं हैं और ट्रस्ट की जो रहने के लिए जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं आपको यहां पे मिल जाएंगी, जिसमें से एक ये भी है अग्रसेन भवन। दोस्तों, अगर मंदिर के टाइमिंग की बात की जाए तो रामेश्वरम मंदिर सप्ताह में सातों दिन खुले रहते हैं, जिसका टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और उसके बाद दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुला रहता है। इस मंदिर में की जाने वाली पूजा का अलग अलग नाम होता है, जिसे अलग अलग समय पर किया जाता है। इस पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है, जिसके लिए मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु इसमें जरूर शामिल होते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ अग्नि मंदिर में आपको जाना होता है और वहाँ जाके आपको समुद्र में स्नान करना होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे स्नान किया था। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद आपको एक बार फिर मंदिर में स्नान करना होता है। यहाँ पे 22 कुंड बने हुए हैं, जिसमें सभी तीर्थों का जल एकत्रित होता है। पौराणिक इतिहास में इन कुंडों का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इन कुंडों में हिंदू धर्म के सभी तीर्थों का पानी मौजूद है। वहाँ पे सरकारी कर्मचारी आपके ऊपर पानी छिड़कते हैं, जिसके लिए आपको कुछ चार्ज लिया जाता है, जो कि लगभग 20 से 25 रुपए होता है। दोस्तों, मंदिर में एंट्री के लिए मेनली 4 गेट हैं, जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ में मंदिर के गेट बने हुए हैं। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर दर्शन करने के लिए कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार को देखना चाहते हैं तो आपको महाशिवरात्रि के टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इस समय यहाँ पे दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ पे 10 दिन तक चलता है, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होगा।
इस टाइम पे आने के बाद। दोस्तों, इस मंदिर की खूबसूरती और कलाकारी देखने में बेहद ही हैरान करने वाली है। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग कलाकृतियों को खूबसूरती से उकेरा गया है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप इस मंदिर की दीवारों पर बनी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा और भी कई खूबसूरत नक्काशी देख सकते हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, मंदिर के मुख्य गलियारे की लंबाई 3,850 फीट है, जिसे दुनिया के सबसे लंबे गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर मुख्यतः दो शिवलिंग देखे जा सकते हैं, जिनमें से एक भगवान श्री राम और सीता द्वारा स्थापित था, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कैलाश से हनुमान जी द्वारा लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।